इंडिया का सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान को माना जाता है, लेकिन जब भी हम किसी भी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स या फिर ओपनिंग डे के नंबर्स की बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊपर सिर्फ एक ही स्टार का नाम होता है, वो है प्रभास। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्यों है और कौन से स्टार का फैन बेस ज्यादा लॉयल है, इसके बारे में तुम कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिलहाल बात करते हैं सलार और डंकी की। दोनों ही मूवीज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, एक दो दिन हो भी चुका है, दोनों के बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी सामने आ चुके हैं। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर सलार और डंकी दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, दोनों ही मूवीज अलग अलग जॉनरा से हैं तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन सेंस नहीं बनाता, और अगर तुम इस वीडियो के अंदर किसी एक पार्टी की बुराई ही सुनने आए हो तो ये वीडियो यहीं क्विट कर दो। ये वो वीडियो नहीं है जहां मैं किसी एक की साइड लेके दूसरे को गालियां देने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं डंकी से, क्योंकि डंकी एक दिन पहले रिलीज हुई थी। तो एक्चुअली में डंकी के कलेक्शंस थोड़े वीक होंगे, ये तो सबको आइडिया था, क्योंकि उसके प्रमोशनल मटेरियल उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, टीजर और ट्रेलर उतनी हाइप नहीं क्रिएट कर पाए थे कि पहले वीक में इनको अच्छी खासी ऑडियंस मिले। लेकिन ये राजकुमार हिरानी की मूवी थी तो ये जरूर एक्सपेक्टेशंस थी कि मूवी होल्ड दिखाएगी और शुरू के एक दो वीक में भले ना चले लेकिन 3 या 4 वीक तक भी अपने थिएटर्स फुल रखेगी ये मूवी। लेकिन इसका वर्ड ऑफ माउथ उतना स्ट्रॉन्ग फील हो नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने मूवी के अंदर कुछ एक्सेप्शनल किया नहीं, और मेरे ओपिनियन में जो राजकुमार हिरानी का स्टैंडर्ड है उसको भी टच नहीं कर पाती मूवी। तो डे वन पे डंकी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि डिसेंट से काफी बेहतर अमाउंट है। उसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मूवी कोई मास मसाला या एक्शन एंटरटेनर नहीं थी, ये एक फैमिली मूवी थी जिसका टॉपिक भी रिलेटेबल नहीं था हिंदी ऑडियंस से। उसके बाद डे टू पे मूवी की स्क्रीन ऑलमोस्ट आधी हो गई थी क्योंकि सलार से क्लैश हो गया था डे टू पे इस मूवी का, लेकिन फिर भी मूवी ने काफी अच्छा होल्ड दिखाया और अपनी स्पीड को ऑलमोस्ट कंटिन्यू रखा, जहां डे टू पे इसने 45 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं डे थ्री यानी कि सैटरडे को मूवी ने थोड़ा सा जंप लिया और 53 करोड़ का कलेक्शन किया। अब डे फोर यानी कि संडे के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब डंकी से एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा और बेहतर परफॉर्म करेगी एंड अप्रोक्सीमेटली 60-65 के बीच में ये कलेक्शन कर लेगी संडे को। अब स्टार्टिंग के 3 दिन में 157 करोड़ कलेक्ट करना काफी अच्छा नंबर माना जाता है, वो भी एक इमोशनल ड्रामा मूवी के लिए, जबकि असल में ट्रेंड चल रहा है एक्शन मूवीज का। और मेरे ओपिनियन में मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। अब उम्मीद करते हैं कि एक दो वीक तक ऐसा ही होल्ड बनाए रखे तो लंबे रन पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। वहीं अब सलार पे बात करें तो देखो ये मूवी भी कहीं ना कहीं अपने एक्सपेक्टेशंस पे लैग करती है, और 2-3 चीजें ऐसी है जहां पे ये मूवी निराश कर देती है। बट मेरे ओपिनियन में मुझे मूवी अच्छी लगी थी, काफी एंजॉय की मैंने थिएटर में मूवी। अब जैसा कि तुम सबको भी पता है कि प्रभास भैया जाने जाते हैं एकदम बड़ी बड़ी ओपनिंग्स देने के लिए अपनी मूवी में, तो इसी साल उनकी सबसे वर्स्ट मूवी, उनके करियर की सबसे वर्स्ट मूवी आदिपुरुष रिलीज हुई, जिसके डे वन पे उन्होंने ओपनिंगली 140 करोड़ की, जो कि इस साल की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग मूवी थी। लेकिन उसका रिकॉर्ड फिर विजय भैया ने तोड़ दिया अपनी लियो मूवी के साथ और 147 करोड़ का कलेक्शन किया। तो फिर वापस से प्रभास भैया आए, दिल पे ले लिए ये बात, और ये बोला कि विजय भाई आप जाओ यार, ये मेरा पोजीशन है और मैं इस पे रहना चाहता हूं। और फिर यूं फेंक के मार दी सलार, और सलार ने डे वन पर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 178.7 करोड़ का कलेक्शन किया। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, काफी एक्सेप्शनल है, मतलब गिन चुन के 2 या 3 ऐसी मूवीज है जो कि इस नंबर के ऊपर जा पाई है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में। पर क्या तुम्हें पता है कि सलार ने इतनी बड़ी ओपनिंग एक्चुअली में कैसे अचीव की? तो देखो रीजन मैं तुम्हें बताता हूं अगर नहीं पता है तो। तो डे वन पे इन्होंने कमाए 178.7 करोड़ रुपीस, और इस डिजिट में तुमको 2-7 तो ऑलरेडी दिख रहे होंगे, बचा 8 और 1। 8 में से 1 को माइनस कर दो क्या आएगा, 777। द मैसेज इज क्लियर। इसके बाद डे टू पे सलार ने 116 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसको देखकर आप कह सकते हो कि मूवी ने डे टू में काफी ज्यादा ड्रॉप लिया है। बट मेरे ओपिनियन में ये कोई ड्रॉप है ही नहीं, क्योंकि 178 करोड़ खुद में इतना बड़ा नंबर है कि उसके स्पीड को मेंटेन करने जितना इंडिया के अंदर ऑडियंस ही नहीं है। मतलब 150 करोड़ से ज्यादा का सिंगल डे अगर आपको एक बार या दो बार चाहिए तो वैसा आई थिंक पॉसिबल है ही नहीं इंडिया के अंदर, और अगर वैसा पॉसिबल करना भी है तो आपको ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होगा, जो कि आई थिंक अभी तक सिर्फ 2 मूवीज ने किया है, RRR और बाहुबली 2 ने ही, और उन्हीं 2 मूवीज ने शायद 150 करोड़ से ज्यादा का सिंगल डे कलेक्शन किया है 2 बार आई थिंक। अब इसका डे 3 यानी कि संडे के दिन ये मूवी कैसा परफॉर्म करेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे चांसेस ये भी है कि लियो की तरह ये भी मूवी अपने पहले वीकेंड में काफी बढ़िया स्टार्ट ले लेकिन सेकंड वीकेंड तक इसका बिजनेस खत्म हो जाए, क्योंकि सलार ने भी अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। और फिर भाई स्टार्टिंग के टाइटल कार्ड में रॉकिंग स्टार यश का नाम लिख देना और मूवी में कहीं भी उनका नामो निशान ना होना, वो एक अलग ट्रेजेडी है मूवी की। तो जब मंडे और ट्यूजडे के कलेक्शन सामने आएंगे तो दोनों मूवीज के बारे में कहना आसान होगा कि दोनों का लॉन्ग टर्म कलेक्शन कहां तक जाएगा, तो अपन उस हिसाब से प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो, तो यहां पे एक लाल बटन दिख जाएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब कर लो भाई अब।